जिंदगी कितनी सुंदर और कितनी खुशनुमा थी ना हम सबकी, लेकिन अब देखो एकदम से सब वीराना हो गया, थम गया है सब। वही सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, और फिर वही सुबह। पहले गलियों, मोहल्लों, शहरों में क्या घूमा करते थे, और अब हॉल से बेडरूम, बेडरूम से किचन, किचन से बालकनी। बस बस भाई, इससे ज्यादा बाहर निकलने पर अब फट रही है। पहले काम पर जाने का रोना होता था और अब ना जा पाने का। कितने सारे सपने देखे थे, कितनी सारी ख्वाहिशें थी, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, साला सब वहीं का वहीं रह गया। हाँ भाई, सोचा तो था कि अब ये साल 2020 है, लाइफ का मैच कमाल का होगा, मगर यहां तो सब 50-50 हो गया। क्या हालत हो गई है, एकदम बाबा जी हो गए, शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही। गांव में इस बार शादी की बात करके आए, अम्मा बोली कि बहुरिया संग में लेके जाना। हमने भी सोचा था कि सेवा करवाएंगे, दुल्हन के हाथ का खाना खाएंगे, थोड़ी सेवा हम भी करेंगे, पर भैया लग रहा है कि इस बार भी गई गाड़ी, कुंवारे मरेंगे हम जिंदगी में, हमारी ना हो रही शादी, हम परेशान हो गए। अरे भाई, तुम्हारी ऐसी बात सुन के हम सच में इमोशनल हो गए। अब देखो, तुम्हारे लिए हम अपने अंदर के जंगली नाई को जगाते और तुम्हें ऐसे चकाचक चमका देंगे कि तुम देखते रह जाओगे। ओ प्रभु, तुम नहीं करो कछु, पता चली तुम्हारे चमकाने के चक्कर में हम उजड़े चमक हो गए, समझे? हम ऐसे ही ठीक है बाबा जी, मैं नहीं करूं। यार तुम लोग ऐसी बातें मत करो ना प्लीज, मेरी दुखती रख पर आंख होता। एक तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी कुंवारी जैसा जिंदगी बिता रहे हैं। पहले तो बीवी से फोन पर कम से कम मीठी मीठी दो बातें हो जाए, उस बहाने कम से कम रात तो कट जाती थी, लेकिन अभी जब से वो मायके गई है लॉकडाउन में उधर ही फंस गए हैं। ऑब्वियसली दिन में बात हो नहीं पाती और रात में मैडम सासू माँ के साथ सोती। इस वायरस ने ना जिंदगी झंड करके रखी। इतना अपसेट क्यों हो रहा है भाई? आ जाएंगी भाभी जी। अच्छा, मैं आज तेरे लिए कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? और अगर तू कहेगा तो भाभी जी बनकर तुझसे मीठी मीठी बातें भी करूँ। बोलो, करूँ? समझ रहा हूँ, इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। चल खाने में क्या खिलाएगा, दाल भात खिचड़ी? अरे भैया, इस समय घर पे जो मिल जाए ना वही अमृत है, नहीं तो बाहर से कुछ मंगाया तो कोरोना भी साथ में आएगा। और अगर बाहर कुछ लेने गए तो पिछवाड़े की सिकाई होगी अलग से। फिर ये मत बोलना कि सूजी लेने गए थे, सूजी हुई लेकर आ रहे हैं। भाई सही कह रहा है तू, तूने वो न्यूज़ नहीं सुनी? दिल्ली में पिज्जा पार्टी की और जो डिलीवरी बॉय था ना वो कोरोना पॉजिटिव निकला, कुछ बोल नहीं सकते। और ये अपने बेवड़े भाइयों को तो गोल्डन चांस मिल गया, साले रामायण देखने की जगह पी के बंद पड़े हुए। लाजिक पता क्या था, रमन से कोरोना नहीं होगा ऐसा न्यूज में आया। क्या करे क्या ना करे, अब तो भरोसा करने में डर लगने लगा। नींद में भी गर्लफ्रेंड के सपने देखते हुए ये भी कोरोना कोरोना की जगह ये कोरोना कोरोना के सपने आ रहे हैं। डॉक्टरों ने बोला है अगर मास्क ना मिले तो नॉर्मल कपड़ा वाला भी मास्क ले, लेकिन कुछ गधे जो है वो डिस्पोजल मास्क लेकर भी अपने आप को डीबी ग्रुप के चेयरमैन फील करवा रहे हैं।
अरे बाबा, आजकल कोरोना कोरोना और करोना बोलने वालों का तो अलग ही स्वाद। अरे हमारे कसम बोला कि इतनी मेहनत से लाला क्वारंटीन बोलना सीख रहा था, अभी साल नया हार्ड रॉक से क्लोरोक्विन पता नहीं क्या हालो बोल भी नहीं पा रहा। इतने पढ़े लिखे क्या अपन? यार इससे जल्दी ना मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ आ गया था, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये कोरोना वायरस मरता किस चीज से। सही कह रहा है यार, ये साला चाइना वालों ने इतना मजबूत तो आज तक बैटरी मोबाइल चार्जर भी नहीं बनाया, जितनी मजबूती बीमारी बना दी यार। हम लगातार काम के पीछे भाग रहे थे राहुल। बड़े बड़े प्लान बना लिए थे, मंगला तक सोच लिया था, लेकिन साला नेचर ने अच्छी तरह बता दिया है, तुम और तुम्हारे प्लान एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। सही कहा भाई, एकदम सही कहा। अचानक इस कोरोना वायरस ने हमारे लाइफ पर ब्रेक लगा दिया, ऐसा लगता है कि अब सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सही कह रहे हो भाई, अब आखिर ये सब हुआ भी तो हमारी वजह से है ना। ये जो मदर नेचर है ना, बैलेंस कर रही है अपने आप को, ये हमको सिखाने की कोशिश कर रही है कि हमेशा हमको इकोनॉमिकल होकर नहीं इमोशनल होकर भी सोचना चाहिए। ये मदर नेचर बैलेंस करने के चक्कर में ना कहीं मदर फकर ही ना हो जाए, साला हाथ धो धो के फटी पड़ी है यार मेरी। और तो और जिंदगी में साला पहली बार किसी सामने वाले के खांसने पे भी अमरान नजर आ रही है। लॉकडाउन में साला दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया एकदम, सब ब्लॉक हो गया कसम से। अरे अच्छा हुआ ना तेरा दिमाग ब्लॉक है, तेरे वो जॉइंट का खर्चा तो बच रहा है कम से कम, नहीं तो बाबा जी जब देखो तब लगा के एकदम काटे निकल लेते हैं। हाँ? यार मुझे ना मेरा फ्यूचर एकदम ब्लर ब्लर सा नजर आ रहा है, कुछ साफ नजर ही नहीं आ रहा। अरे भाई तुझे वैसे ही इतना मोटा चश्मा लगता है, तुझे साफ दिखता का भाई। मजाक तो करो मत, मैं बहुत सीरियस हूँ और अपसेट भी। तुम सब ना इतना अपसेट मत, हम सब भी सीरियस हैं और इस बात से एग्री करते हैं। कुल मिला के बात वही है भाई, जैसे कट रही है वैसे कटने दो, घर पे रहो बचे रहो। हम सब भले इस लॉकडाउन में फंस गए हैं, लेकिन इसी वक्त में पता चला कि हम सब की लाइफ एक दूसरे के लिए कितनी जरूरी है। और ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी अब पहले की तरह रफ्तार नहीं पकड़ेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हमें समझने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस बार ना जिंदगी में बहुत करनी सीख देकर जाएगी, बस हम सबको इस पर अमल करना होगा। तो हम इस वक्त को मौके की तरह लेते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, माफी मांगने के लिए और माफ करने के लिए। So make this life a wonderful experience, अपने लिए और दूसरों के लिए। और ये सब कब कर पाएंगे? जब हम सब जिंदा बचेंगे, because successful होने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है भाई लोग। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही हैं, उनकी बातों को फॉलो करने के, तभी हम सेफ रहेंगे और हमारे परिवार वाले भी सेफ रहेंगे। कुल मिला के बात इतनी सी है कि इस वक्त को ऐसे जियो कि आगे जाके काश न कहना पड़े।